हाय एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लोकेश दवे आपको आपके फेवरेट होम्योपैथिक चैनल में फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर बर्नेट के 19th रीजन की, जिसमें कि आज हम नैट्रम्यूर होम्योपैथिक सॉल्ट को कंक्लूड करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस एपिसोड को पूरा देखें, इसमें बहुत सारी नैट्रम्यूर के बारे में, होम्योपैथिक नमक के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी। और इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीकली आपके मेंटल के लिए बूस्टर मिलता रहेगा। होम्योपैथिक से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम लोग लगातार शेयर कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग नाउ, डॉक्टर बर्नेट कहते हैं कि नैट्रम्यूर क्या है, होम्योपैथिक सॉल्ट क्या है, होम्योपैथिक नमक क्या है। वो हमारा सादा नमक है, इंग्लिश में अगर हम देखने जाएं तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसी को हम होम्योपैथी में नैट्रम्यूर बोलते हैं। मगर फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब हम उस सादे नमक को पोटेंटाइज कर देते हैं ड्रग डायनामाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू, जब उसकी पोटेंसीज बनाई जाती हैं, तो सादे नमक की अगर हम बात करें तो वो ये सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, उसका कोई मेडिसिनल इफेक्ट नहीं है या कोई ट्रीटमेंट पार्ट पे इफेक्ट नहीं है। मगर होम्योपैथिकली उसका इतना जबरदस्त उपयोग है, एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी के रूप में सिर से लेकर पैर तक ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको हम लोग नैट्रम्यूर या होम्योपैथिक नमक के थ्रू ठीक कर सकते हैं। जिसमें अगर आप नैट्रम्यूर से रिलेटेड पुराने वीडियोस देखने जाएंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उनके क्या सारे लिंक्स वगैरह, तो आप लोग उसको देख सकते हैं वहां पर। और मैं आपसे ये बता रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट हमने अभी तक देखा है नैट्रम्यूर के बारे में, कि नैट्रम्यूर द्वारा अभी तक हम लोगों ने क्रॉनिक चिलीनेस, जो लगभग 10 साल से ठंड लग के और परेशान था पेशेंट, पूरी रात भर थरथराता रहता था, वो भी ठीक हुआ। उसके बाद गाउट के केसेस में नैट्रम्यूर बहुत उपयोगी है। उसके बाद हमने देखा कॉन्स्टिपेशन का केस था, जिसमें बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन था, वो भी ठीक हुआ नैट्रम्यूर की हेल्प से। उसके बाद देखा हमने स्प्लिन पे स्वेलिंग थी, वो भी किस तरह से नैट्रम्यूर की हेल्प से ठीक हुई। और अबव ऑल जितने भी केसेस थे उसमें न्यूराल्जिया मींस एक फेशियल न्यूराल्जिया का वो केस, जिसमें कई सालों से वो परेशान थे और दर्द सह रहे थे, मगर नैट्रम्यूर की हेल्प से वो पूरी तरह से ठीक हुआ। सो कीपिंग दिस इन माइंड, डॉक्टर बर्नेट कहते हैं कि आप लोग ऐसे तो विश्वास नहीं करने वाले हैं, मगर रिजल्ट्स मैंने खुद ने देखे हैं, डॉक्टर बर्नेट ने देखे हैं। सो आज का केस हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें डॉक्टर बर्नेट बता रहे हैं उनके पास एक लेडी पेशेंट आई थी जो कि इंडियन आर्मी पर्सनल की वाइफ थी, जो उस समय जो कि लंदन में पोस्टेड हुए। और लंदन में पोस्टेड होने के कारण उनकी जो पोस्टिंग थी, क्योंकि वो नेवी से रिलेटेड थे, तो सी शोर पे उनको बंगला दिया गया था, और जो उनका एक फ्रेंड था उसका वो बंगला था, वहां वो लोग रह रहे थे और उनको लगातार वहां रहने से प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो जब लेडी आई तो वो यही कंप्लेंट लेके आई कि सर मुझे बहुत अच्छा बंगला है रहने के लिए, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं आने जाने के लिए, कैरेज गाड़ियां वगैरह सब व्यवस्थित हैं, मगर मैं वहां रहती हूं तो पता नहीं मुझे क्या होता है और मैं बड़ा सिक फील करती हूं और बहुत परेशान हूं बहुत समय से, जब से मैं यहां आई हूं। तो डॉक्टर बर्नेट ने उसको उनको समझ के और नैट्रम्यूर प्रिस्क्राइब की, चूंकि जो आर्द्रता है हवा में, नमक जो होता है या नमी जो होती है उस एरिया में समुद्र के, उसके लिए नैट्रम्यूर बहुत अच्छी इंडिकेटेड मेडिसिन है। नैट्रम्यूर 6x उनको दिया गया, और जब नैट्रम्यूर 6x दिया गया तो बहुत कुछ ही दिनों के अंदर उनका जो स्टेट था, बॉडी का स्टेट था, वो चेंज हुआ। और इस कहानी का सार यही है कि डॉक्टर बर्नेट कहते हैं कि वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गई, और न सिर्फ वो वहाँ रह पाई बल्कि उन्होंने वहाँ पे सी शोर पे रहना एंजॉय किया। और उसके बाद डॉक्टर बर्नेट को थैंक्स का लेटर लिखा कि आपकी वजह से मैं उस जगह का पूरा पूरा यूटिलाइज कर पाई, जो बहुत ही खूबसूरत थी, जो सी था वो बहुत खूबसूरत था। और डॉक्टर बर्नेट बोलते हैं कि यही मेरा 19th रीजन फॉर बीइंग अ होम्योपैथ है, कि क्यों हमें होम्योपैथी अपनानी चाहिए। सो एट लास्ट डॉक्टर बर्नेट यही बोलते हैं कि अब मैं आपको नैट्रम्यूर या होम्योपैथिक नमक से अब और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। सो कंक्लूडिंग कि यही मेरा 19th रीजन है, और
आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम लोग किस तरह से होम्योपैथिक नमक नाट्रम म्यूर कई बीमारियों में उपयोगी है उसके बारे में जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाए और उनके दुख दूर कर पाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।